आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज चटनी के साथ। तो आइए देखें क्या क्या सामान लगेगा। एक कप मैदा, नमक स्वाद अनुसार, 2-3 चम्मच रिफाइन ऑयल, 1 बड़ा कटोरी बारीक काटा हुआ पत्ता गोभी, 1 छोटा कटोरी बारीक काटा हुआ गाजर, 3 शिमला मिर्च बारीक काटा हुआ ग्रीन रेड येलो, 2 हरी मिर्च बारीक काटा हुआ, 1/2 इंच अदरक बारीक काटा हुआ, 4 कली लहसुन बारीक काटा हुआ, थोड़ा सा हरे पत्ते वाली प्याज बारीक काटा हुआ, चीनी थोड़ा सा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 कप आइस क्यूब का पानी। तो आइए अब मैदे का डो तैयार करते हैं। मैदा, नमक, तेल, ये रिफाइन ऑयल है, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आइए एक टाइट डो तैयार करते हैं। ये आइस का पानी है, ये ठंडे पानी से ही इसका आटा गूंदेंगे, इसमें गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक सख्त डो तैयार करेंगे, इसके लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। देखिए हमारा टाइट डो तैयार है, ये देखिए। अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग के लिए पत्ता गोभी बारीक काटा हुआ, 1/2 इंच 1/2 मिर्च, 1/2 प्याज, लहसुन बारीक काटा हुआ, अदरक बारीक काटा हुआ, हरी मिर्च बारीक काटा हुआ, गाजर बारीक काटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक काटा हुआ, ग्रीन रेड येलो, ये तीनों कलर है, नमक स्वाद अनुसार, आटे में भी नमक है इसके लिए थोड़ा कम ही डालेंगे। रिफाइन ऑयल 1/2 छोटा चम्मच, इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा फिलिंग तैयार है, तो आइए अब मोमोज बनाते हैं हम लोग। तो आइए मोमोज के लिए पानी गर्म करते हैं। तो फ्लेम ऑन करते हैं, हम कढ़ाई चढ़ाए हैं, तो पानी डालेंगे, गर्म होने के लिए इसको छोड़ देंगे हम लोग। तब तक हम लोग प्लेट में तेल लगा लेते हैं ताकि मोमोज चिपके नहीं। अच्छे से इसे फैलाएंगे। देखिए हमारे प्लेट में चारों तरफ से तेल अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम कढ़ाई पे रख देंगे। इसको रख देते हैं हम लोग, फ्लेम को लो किए हुए हैं, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक अपना मोमो बनाते हैं।
हिस्से में बराबर बराबर हिस्से में काट लेंगे। देखिए अब इसे आटे से डस्ट करके पतला पूड़ी की तरह बेलेंगे। इसे हम पूड़ियों की तरह पतला बेलेंगे, ये जितना पतला रहेगा उतना अच्छा है। तो आइए फिलिंग भरते हैं, इसमें हल्का सा पानी लगा देंगे चारों तरफ। एक चम्मच फिलिंग भरेंगे, देखिए सेब तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए कॉर्नर को पानी लगा के एक आप पिंड कर सकते हो। मोमोज हमारा तैयार है, तो आइए अब इसे हम स्टीम देते हैं। पानी भी हमारा अच्छे से उबल रहा है, फ्लेम लो ही रखेंगे। इसे ढककर पकने के लिए रख देंगे। टमाटर की तीखी चटनी बनाने के लिए 2 टमाटर, 6 लाल मिर्च साबुत, 1 बड़ा चम्मच बारीक काटा हुआ लहसुन। आप लहसुन को छिलका उतार के साबुत भी रख सकते हो। और चटनी बनाने के लिए हमें लाल मिर्ची को 10 मिनट के लिए पानी में डीप करके रखना पड़ेगा। अगर आपको कम तीखी चटनी चाहिए तो जब भीग जाए तो इसके बीज निकाल लेना आप, नहीं तो बीज के साथ भी पीस सकते हो। तो आइए इस तीनों को पीस लें हम मिक्सी में। मिक्सी में पीसने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो आइए अब इसे हम पानी इसका सुखा लेते हैं और चटनी तैयार करते हैं। तो आइए गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। एक छोटा चम्मच तेल, 1 अच्छे से फैला लेते हैं। टमाटर मिर्ची का पेस्ट, इसका पानी हम लोग सूखने के लिए रखते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, इसे पानी सूखने तक हम लोग उबालेंगे। जब पानी सूख जाएगा तो स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा शक्कर डालेंगे हम लोग इसमें। तो इसे मीडियम आंच पे ही हम लोग पानी सूखने देते हैं। अब इसमें नमक डालते हैं और थोड़ा सा चीनी। नमक स्वाद अनुसार, चीनी, फ्लेम पे थोड़ा पानी और सुखा लेंगे इसका। चटनी तैयार हो चुका है, तो आइए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं इसका।
आइए देखिए हमारा मोमोज रेडी है या नहीं। हमारा मोमोज पक चुका है, तो आइए प्लेट में निकालते हैं, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए मोमोज बनके तैयार है, चटनी के साथ इसको खाइए और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।